मतलब कोई उन्हें स्पॉन्सर करता है या एजेंसीज उन्हें भेजती है, कोई स्पॉन्सर उन्हें अपने पैसा वैसा खर्च करके उनको मंगवाता है, तो अब अच्छा लगता है। क्या क्या हुआ डांस क्लास में? यही हुआ था। ओहो, यही सीख रही हो ना? मैं समझ गई। कहाँ गई थी और आते के साथ, घर आते के साथ क्या कर रही हो? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही है? फ्रेंड्स देखिए इस लड़की को। ये पढ़ रही हो तुम? बस ये अभी तुरंत आई है, आज फ्राइडे है तो इसका डांस क्लास था और अभी तुरंत आके बस मोबाइल में घुस गई। आज क्या सीखी डांस क्लास में? हाँ तो ये तुम सीखने थोड़ी जाती हो, तुम सिर्फ खेलने जाती हो वहाँ। हम लोग बस अभी जस्ट आए हैं इसको लेके। नहीं हम नहीं देखे, तो हम लोग अभी जस्ट बाहर से आए हैं शिविका को डांस क्लास से लेके, और मुझे कुछ कुछ सामान लेना था तो वो लेके आई हूँ। कहाँ दो स्कूल है? एक तो स्कूल, एक तो डांस क्लास, दोनों तो स्कूल ही है। तो सैटरडे फ्राइडे स्कूल छुट्टी रहता है तो न्यू स्कूल। और आज शिविका की तबीयत खराब है, इसको बहुत फीवर है। चलो फिर से दवाई पियो, ठीक है? तो मैं कुछ कुछ सामान भी लेके आई हूँ जो कि दिखाती हूँ अभी। तो ये सामान है, इसमें है दूध जो हम लोग हमेशा खरीदते हैं, और ये पनीर है 1 केजी का, और इस पनीर का प्राइस है, आपको दिखाती हूँ, इस पनीर का प्राइस है देखो 3 रियाल 115 पैसा, मतलब ये 750 रुपये का है 1 केजी। मीन्स पता नहीं इंडिया में कितना है, यहाँ तो 750 का है। और ये रिफाइंड तेल, और हम लोग का सरसों तेल भी ख़त्म हो गया था तो ये भी लेके आई हूँ। ये भी बहुत महंगा मिलता है यहाँ पे। मिल्क 1 रियाल एंड मस्टर्ड ऑयल 1.750, मतलब ये 1 केजी का 400 रुपये है सरसों तेल का भी प्राइस। और बाकी कुछ कुछ थोड़ा आलमंड बनाना, बस इतना ही सामान है। और ये मशरूम लिया है मैंने आज, ये भी था 100 रुपीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और बिल बना है ये 3-4 आइटम में 10 रियाल 710 पैसा, मतलब ये 3-4 सामान में ही देख लो, मतलब इसका हो गया है 2200 रुपये, 2200-2300 रुपये, इतने ही सा सामान का है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा भी लेने से यहाँ पे ऐसा ही है, मतलब वीक में 2-3 बार ऐसा ही होता है, एक बार में तो कुछ कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, दोबारा लेने जाओ तो एक्स्ट्रा सामान हो जाएगा कुछ, और इतना तक बिल आ ही जाता है। और हाँ मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, मतलब बात क्या, कमेंट में 2-3 लोग बहुत बहुत पहले से भी मैसेज करते हैं, और अभी रिसेंटली में 1-2 लड़कियां हैं शायद जिन्होंने कमेंट किया था कि क्या हाउसमेट जॉब इधर सेफ है कि क्या। तो देखो मैं हाउसमेट जो पर्सनली जो इधर आती हैं, मतलब कोई उन्हें स्पॉन्सर करता है या एजेंसीज उन्हें भेजती है, कोई स्पॉन्सर उन्हें अपने पैसा वैसा खर्च करके उनको मंगवाता है, तो अब वो लोग, मैं वैसे लोगों को नहीं जानती, मतलब पर्सनली नहीं जानती, लेकिन ऐसे तो यहाँ पे है, लीगल है कि मेड ला सकते हैं इंडिया से। तो यहाँ पे ज़्यादा ओमान बहुत अच्छी कंट्री है, मतलब वैसा तो नहीं होना चाहिए जैसे अदर कंट्री का कोई कोई आता है शिकायत।
तो वैसा तो मैं इधर नहीं सुनती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि उन लोग के साथ हाउसमेट के काम तो आपको सब करना पड़ेगा। जैसे आप हाउसमेट में आ रहे हो अगर इधर, तो एक हाउस में जो भी काम है घर का काम आपको प्रॉपर वो सब तो सब करना ही पड़ेगा। और सोच समझ के आओ, अगर आपको मतलब लगता है कि आप कर लोगे, और 2 साल का इधर वीज़ा देते हैं हाउसमेट को, 2 साल के लिए लाते हैं, तो आप में पेशेंस है कि नहीं रहने का इधर, तो जो फर्स्ट टाइम आएगा वो थोड़ा सोच समझ के आए कि उनको पूरा मेंटली प्रिपेयर होके कि ये सब करना होगा, क्योंकि हाउस के अंदर तो सब तरीके के काम होता है, झाड़ू पोछा और भी अगर बच्चे संभालना हुआ, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है इसका, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर होके आना, और फ्रॉड जो एजेंसीज चली हुई है मतलब उन लोगों से थोड़ा बच के, कि मतलब जो अच्छी एजेंसीज हैं उन्हीं के थ्रू आओ, और तो आपको भी थोड़ा सेफ्टी रहेगा। और ऐसे ही किसी के कहने पर, पता नहीं बहुत लोग पैसा खा के भी बैठ जाता है, और इधर आने के बाद पता चला कि वैसा नहीं आपको काम मिल रहा है, या फिर वैसा सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो वो दिक्कत है। इसलिए सब कुछ अपना पता करके ही इधर आओ अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो, वरना। लेकिन एक चीज़ है कि ओमान बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ पे वैसा शिकायत नहीं है, बहुत पीसफुल लोग हैं यहाँ के लोग, मतलब जो लोकल लोग हैं वो लोग भी अच्छे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ। और एक चीज़ था, किसी का सवाल था कि क्या ये शैम्पू वगैरह हम ला सकते हैं इधर एयरपोर्ट में, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो हाँ, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप जो आप प्लेन में जो सामान लेके बैठोगे हैंड बैगेज में, आपको नहीं रखना है शैम्पू वगैरह, क्योंकि उसमें लिक्विड आइटम मना रहता है बहुत अधिक रखने का, पता नहीं मतलब बहुत अधिक लिक्विड आइटम अपने साथ नहीं रख सकते आप, तो उसमें आप मत लाना ये सब चीज़। और ऐसे भी उसमें मत लाओ ये सब, बॉटल भारी हो जाएगा। आप जो बड़ा वाला लगेज हम लोग जो जमा करते हैं उसमें लेके आओ, जो भी लाना है आपको, शैम्पू वगैरह और भी तेल वेल जो होता है बालों के लिए, हेयर के लिए, वो सब ला सकते हो आप, लेकिन वो लगेज में होना चाहिए। जो लगेज आप जमा दे दोगे और डायरेक्ट ओमान में लोगे वो वाला। और उन्होंने प्राइस भी पूछा था कि ये सब का प्राइस क्या है, तो जितना इंडिया में प्राइस होगा उससे इधर दो गुना तीन गुना ही प्राइस है। जैसे कि मैं पेयर साबुन आज अभी खरीद के लाई हूँ, तो इंडिया में पता नहीं कितना रेट है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपीज़ से ज़्यादा ही का है, जो मिडिल साइज वाला होता है एक पेयर साबुन का बार, वो 100 रुपया के पार का है यहाँ पे। तो अब इंडिया के हिसाब से कंपेयर कर लो, और शैम्पू वगैरह का जितना भी रेट होगा इंडिया में, वहाँ से 3 गुना ज़्यादा ही रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सब चीज़ का ज़्यादा है, तो उसका भी, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का थोड़ा और ज़्यादा रहता है, कॉस्मेटिक का, ऐसे भी ग्रूमिंग का, ये सब थोड़ा महंगा ही है, तो आप अपना देख लेना। और यही उनका सवाल था, तो बस मैं यही आपसे लोगों को सोची कि चलो एक वीडियो में मैं बता देती हूँ, ये वाला छोटा सा वीडियो में। और आज सुबह से मैं बस थोड़ा ही थोड़ा करके वीडियो बनाई थी, कुछ वैसा वीडियो नहीं बनाई थी। तो बस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।